नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी ने आज हरियाणा के अंदर अपना बहुमत लगभग साबित कर दिया है और अनिल यादव जो कि कोसली से प्रत्याशी थे बीजेपी के, वो भी जीत के बिल्कुल करीब जा चुके हैं क्योंकि लीड काफी हो चुकी है उनकी और उनके ही घर के बिल्कुल ठीक सामने हम रेवाड़ी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ जो कार्यकर्ता है वो भी मौजूद है, उनके परिवार से लोग हैं वो भी मौजूद हैं। तो चलिए अभी इन सभी लोगों से हम एक एक करके बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप बताएं, जो बीजेपी ने दक्षिणी हरियाणा में अब की बार जो जीत हासिल करने की कगार पे बीजेपी खड़ी है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, दक्षिण हरियाणा में नहीं, पूरे हरियाणा में एक तरफा लोगों ने मन बना करके बीजेपी की नीतियों पर, नरेंद्र मोदी पे विश्वास करके और विशेषकर दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह पे भरोसा करके एक तरफा मैंडेट दक्षिण हरियाणा से संदेश हमारी जो है बीजेपी पार्टी ने साफ तौर पे दिया है और जो दबाने की और कुचलने की राजनीति करते थे उनके मुंह पे ये तमाचा है। बिल्कुल, क्या आप लोग आश्वस्त थे इस जीत को लेकर के, इतनी बड़ी जीत भी हो सकती है? हम तो बिल्कुल पहले दिन से आश्वस्त थे क्योंकि राव साहब ने जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट दिए वो ग्राउंड से जुड़े हुए कैंडिडेट थे, उनका अपना पारिवारिक हमारा रसूख रहा है, हमारे दादा के टाइम से हमारे लोग सामाजिक रूप से हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं, तो 1% भी कहीं दूर दूर तक कोई ऐसी बात थी नहीं कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन जहां तक मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वहां भी बीजेपी को कहीं भी कोई एज दिखाई नहीं दे रहा था और अगर हरियाणा के मीडिया की बात करें तो यहां भी लगभग ज्यादातर लोग ऐसे थे जो कि बीजेपी को कहीं भी फाइट में नहीं दिखा पा रहे थे। उसके बाद जो हालात बने हुए थे और अब जब तक कि ईवीएम के ऊपर अब तक तो बात आई नहीं, लेकिन आने वाली समय में हो भी सकता है कि आ जाए, तो उसको कैसे संभालेंगे? देखिए, बात ऐसी है कि दक्षिण हरियाणा छोड़ो, पूरे हरियाणा में जी कांग्रेस का जो राज रहा वो लोगों ने देखा, 2 घंटे की बिजली भी देखी, सिलेंडर की लाइनें भी देखी, तो जो जो लोगों ने भुगता है वो लोग आगे नहीं आए मीडिया के सामने, बोल नहीं पाए, लेकिन जो आम वर्ग था, जो 36 बिरादरी के मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने सब चीजों को ध्यान में रख के और अपना मैंडेट एक तरफा इसलिए दिया कि उनको वो शासन नहीं चाहिए। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब कि जो वोटर था वो साइलेंट था? बिल्कुल साइलेंट वोटर था, उनको पता था कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब क्या कुछ देख पा रहे हैं जो हरियाणा के अंदर इतना मैंडेट आ गया है, जो आप लोगों के साथ यहाँ पे साथी खड़े हुए हैं या आप लोगों का जिन लोगों ने भी चुनाव में साथ दिया उनके लिए क्या कहें? देखिए, जितने भी साथी, जितने भी परिवार के लोग, एक परिवार की तरह से ये चुनाव लड़ा गया, पूरे गांव ने लड़ा, पूरे कोसली हलके ने अपना चुनाव समझ के लड़ा है, सबका पूरी तरीके से हम लोग साथ देंगे। रही बात यह कि कहीं कसर हमारी पार्टी के द्वारा कहीं रह भी गई है तो इस बार वो सारी कमियां 100% दूर करने का काम हम करें। जी बिल्कुल, लेकिन राव साहब ने जितनी भी सीटें लगभग यहाँ से रिकमेंड की थी वो सारी सीटें जीत के करीब है बीजेपी, क्या कहें? देखिए, राव साहब का कद तय कर दिया है दक्षिण हरियाणा ने कि दक्षिण हरियाणा के लिए राव साहब क्या महत्व रखते हैं। एक की एक सीट दक्षिण हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में दी है और नरेंद्र मोदी जी को ये विश्वास दिला दिया कि राव साहब हैं तो बीजेपी पार्टी कहां से कहां गई। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आप बताएं जीत को लेकर के क्या? जीत का ये हम बहुत ज्यादा खुश हैं, आपको नजर भी आ रहे हैं और ये राव इंद्रजीत सिंह ने आपके पास सिद्ध भी करके दिखा दिया है दक्षिण हरियाणा की सारी जितने भी सीटें हैं सारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई। उसी का नतीजा आपके सामने और आम पब्लिक की भी एक धारणा थी कि हमने जो आज तक पिछले 10 सालों में काम देखे हैं, बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां देखी है, छोटे से बड़ा काम जिसमें कभी कोई समस्या नहीं आई किसी को, उसी का नतीजा आपके सामने है। और जो कैंडिडेट दिए भारतीय जनता पार्टी ने और राव साहब ने मिलके, वो जमीन से जुड़े हुए, लोगों से मिले हुए, लोगों को इस बीच से ही निकाल के दिए थे, उनके ऊपर पब्लिक ने भी विश्वास किया, राव साहब ने भी विश्वास किया और इस जनमत से सिद्ध होता है कि राव साहब और बीजेपी की टीम ने जो मिलके काम किया है ये काफी तारीफ। कार्यकर्ताओं में कैसा जश्न? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है और सभी दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह को सीएम देखना चाहते हैं, उन्हीं की जीत हुई, उन्हीं की वजह से सभी की जीत हुई है। राव इंद्रजीत का खूब बड़ा सहयोग है, लेकिन अब
युवा जागृत हो चुका है और पूरे युवा टीम ने आपके बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लिया है, क्योंकि बिना खर्ची बिना पर्ची के जो नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है उसका इफेक्ट है। किसान वर्ग जो था उसने MSP का लगाव चाहिए फसलों का पूरा नियंत्रण करके जिस तरह किसानों को समृद्ध किया है उसका असर था। और सबसे बड़ी कांग्रेस की जो पहले विचारधारा रही उन्होंने हमेशा किसानों को मजदूरों को दलितों को हमेशा मारा है उसके खिलाफ ये चुनाव था। बिल्कुल बिल्कुल, क्या विश्वास था कि इतनी सीटें आ जाएंगी? ये विश्वास था, हम शुरू से ही आश्वस्त रहे हैं इस चीज के लिए और जो हमारी महिला शक्ति है उसने भी हमारा पूरा साथ दिया है, क्योंकि जिस टाइम में कांग्रेस सरकार थी धुएं से आंखें खराब हो जाती थी, लेकिन जो मोदी जी ने सिलेंडर की इतनी अच्छी व्यवस्था की है और युवाओं के साथ में बिना खर्चे और बिना पर्ची के जो काम किया है उसके लिए युवा भी, और सबसे अच्छी बात है कि हमारा कैंडिडेट भी यूथ था। तो मैं चार लाइनों में आपको बताना चाहती हूँ, संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जहाँ पे यूथ होगा तो वहाँ पे जीत निश्चित होगी। बिल्कुल, अच्छा क्या कारण लगता है कि जीत का जो कारण है वो क्या रहा होगा? देखिए जीत का कारण क्या है कि लोकसभा के चुनाव से निपटे थे, बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी एक वो है कुंठित हो जाता है मन कि भाई हम लोग एक्टिवली नहीं आए। BJP की जो ताकत है वो साइलेंट वोटर्स है, मिडिल क्लास वोटर है, वोटर्स है जिनको देश से मतलब है, जिनको अपनी रोजी रोटी से है और उनको बहुत ज्यादा राजनीति से लेना नहीं है, उनको मतलब है देश बचे धर्म बचे। तो वो लोकसभा में गलती कर गए थे तो वो ताकत बन के उठे और जो ये उल्ला उठाया गया था ये ऐसा कुछ नहीं था, हम बहुत आश्वस्त थे, ग्राउंड पे काम हो रहा था, लोग साथ थे, जन समर्थन था, इवन जो उनका हार्ट ऑफ हरियाणा जिंद बहुत अच्छे से जीते हैं हम, जो बोले कि भाई जाटों की है ये ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे नौकरी लगे यूथ कितनी नौकरियां अभी इंतजार में है, उन्होंने इवन रोकने की कोशिश की, रोक रखा नहीं, बहुत सारे बच्चे अभी भी नौकरी लग जाते हैं। तो बहुत आश्वस्त थे कि मीडिया ने ही बना रखा था कि भाई 60-65 ऐसा कुछ नहीं था, सरकार बन रही थी, नायब सैनी ने बहुत अच्छे फैसले लिए अंत में और यहाँ तो दक्षिण हरियाणा में राव साहब की चलते है, राव साहब की हुंकार पे पूरा दक्षिण हरियाणा जीत रहे हैं हम, बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया। और BJP मुझे लग रहा है गुजरात मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा अगला राज्य है जिसमें हम अगले 2034 तक 39 तक कहीं नहीं हिलने वाले। चलिए बहुत बड़ी बात है भाऊ जी, आप बताएं सीधी बात, जो भाई साहब कह रहे हैं जी, कि ये जो गुस्सा है वो निकला है लोकसभा चुनाव का, तो क्या सच है? मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूँ और जो BJP सरकार ने जो नौकरी की चर्चा करते हैं बिना पर्ची खर्ची की, शायद मेरा बेटा शायद नौकरी नहीं लग सकता और बिना पर्ची खर्ची धन से BJP सरकार ने नौकरी दी है और BJP सरकार का पूरे हरियाणा के ऊपर नहीं पूरे हिंदुस्तान के ऊपर छवि बनी हुई है। नमस्ते। बिल्कुल, अब की बार तो अगर बात करें तीसरी बार सरकार BJP की बनने जा रही है जिससे कि शायद कुछ लोगों को उम्मीद भी नहीं थी, तो क्या कहेंगे? BJP सरकार हर वर्ग के लिए अच्छा काम कर रही है, चाहे वो नौकरी में हो चाहे हमारी किसी भी तरह से हो, हर गरीब आदमी तक उसका घर तक राशन पहुंच रहा है, चाहे वो फैमिली ID के थ्रू हो, हर गरीब के घर राशन व्यवस्था कर रही है, गरीब के बच्चे को नौकरी कर दे रही है और BJP सरकार ही सिर्फ हिंदुत्व को बचा सकती है और इससे कि आम आदमी लोगों को फायदा हो रहा है, जो गरीब आदमी है वो नौकरी भी बगैर खर्ची पर्ची के हो रहा है। BJP का शासनकाल में कोई किसी तरह की हलचल नहीं हो रही और बहुत बढ़िया काम कर सरकार हमारी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और भी आप लोगों में इसको बोलना चाहते हैं जी, आप बताएं सरपंच साहब की जिस तरीके से BJP ने अब जीत हासिल की है और जिस तरीके की बातें कुछ दिन पहले तक चल रही थी या फिर BJP के ऊपर कटाक्ष हो रहे थे, तो क्या ऐसा लग रहा था कि इतनी सीटें आ जाएंगी? ये सत्य की लड़ाई थी जी और सत्य की हमेशा विजयी होती है और हमारे क्षेत्र में राव साहब राव इंद्रजीत सिंह जी उन्हीं के योगदान से मोदी जी के योगदान से सत्य की जीत हुई है, बगैर खर्ची पर्ची के जो काम हुए हैं उन्हीं को देख के पब्लिक ने एक तरफा जिताया है। हमारे अनिल भाई साहब जमीन से जुड़े हुए हैं और हमारे एरिया के लिए हल्के के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और हम सब शुरू से BJP से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बहुत जी, एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, जो अभी अभी आंसू उठ रही है, क्या ये वही गुस्सा था जो कि लोकसभा चुनाव के अंदर लोगों को लगा था कि हम जहां वोट करना चाहते थे नहीं कर पाए, जितनी वोट करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो क्या ये वही गुस्सा था? बिल्कुल, ये पूर्णतया गुस्सा था। लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी 400 का पार का जो नारा लेके चली है लोग पूरा साथ देंगे, क्योंकि मोदी जी ने बिना किसी भेदभाव के 36 बिरादरी के लिए पूरे हिंदुस्तान का नाम बढ़ाने का काम किया था, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमारी कुछ सीटें घटेंगी। तो ये लोगों में वो उसका रोष आप देख सकते हैं, उन्होंने मोदी जी को ये जताया कि गलती हो गई सो हो गई, लेकिन वो पूर्ति हम करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जब 5 सीटें आई थी BJP की, 5 सीटें घट गई थी, तो उस समय तो देश के अंदर ऐसा लगा था कि अब BJP जा रही है हर जगह से। देखिए नहीं, कुछ
देखो पार्टी है, कहीं ऊपर से त्रुटियां भी हो जाती हैं, कुछ टिकटों के वितरण में भी हमारा थोड़ा सा गलत रहा, मैं तो ये कहूंगा। नहीं तो 5 में से 10 सीटें हरियाणा में 100% बीजेपी की आनी थी। बिल्कुल बहुत आगे आए, एक बार थोड़ा सा आप बताएं क्या कारण लगता है बीजेपी के आने का। मैं आपको बेरली बता रहा था ना, उस दिन रैली थी राव साहब की, उस दिन मैंने सफल शब्दों में कहा था कि जिस दिन जगदीश यादव को टिकट मिली हमने तो अपनी जीत उसी दिन फिक्स कर ली थी। हमने ये तय कर लिया था कि हमारी जीत अब निश्चित है। जगदीश यादव हमारे मुकाबले में कहीं भी हो नहीं था, ये तो चलो जैसे तैसे होके, ये तो सुनामी की तरह उसमें होता, बहुत ही अच्छी। हमने कहा था 20,000 के आसपास, 20 से ऊपर जीतेगा और 20 से ऊपर ही जीतेगा, अभी भी 20 तो 15,000 तो वो चल रहा है। तो देखो जगदीश कहीं भी सामाजिक हिसाब से फिट नहीं था, अनिल एक शरीफ आदमी है, बहुत ही सादा और बहुत ही समाज सेवी प्रवृत्ति का इंसान है, ये कोई बात नहीं। उतार चढ़ाव जिला परिषद में हार गया वो अलग बात थी, इन्होंने प्रोपकंडे ठेकेदार ने, इन्होंने माड़ूराम ने जिला पार्षद ने खेले, ठेकेदार ने तो अपनी औकात दिखा दी, वो क्या क्या था क्या रहा, अब क्या हो गया, वो तो जैसे भी था उसने सारी वो सिस्टम देख लिया जी, पक्का बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात पे और चर्चा हो रही है हाँ जी, उस दिन पे हाँ। कि राव साहब क्या सीएम बन सकते हैं, जो वहां से आप लोग आवाज लगा रहे थे, क्या बात? देखो हमारी दुआ है, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि राव साहब मोदी जी राव साहब की जरूर सुनेंगे। सारी की सारी सीटें राव साहब ने मोदी जी को समर्पित की है, अब मोदी जी का वो है कि राव साहब को कहां किस पोस्ट पे कायम करते हैं, कैसे क्या, पूरे दक्षिणी हरियाणा को और सीएम पोस्ट के पूरे दावेदार हैं 100%। अब दक्षिणी हरियाणा तो उधर चाहता है, हाँ जी बिल्कुल चाहता है, दक्षिणी हरियाणा चाहता है कि राव इंद्रजीत सीएम बने और अहिरवाल का विकास हो और अहिरवाल का भी नंबर कभी फंसे। ये बहुत ही अच्छा इलेक्शन हुआ है, मोदी जी से हमारी प्रार्थना है कि राव साहब की और इस इलाके की जरूर सुनेंगे, हमें आपसे और मोदी जी से यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आगे 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 आओ भाऊ जी, आगे आओ, एक साइड वैसे जी, अब तो एक ही मंशा है राव इंद्रजीत सीएम बने, बस हमारी यही मांग है जी, वैसे दिल की यही तमन्ना है राव इंद्रजीत सीएम बने, बस सीएम राव साहब। 28 सीट है विधानसभा की, जिसमें 21 सीट दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत की विजय हुई है, 11 की 11 सीट के लिए जी। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है और जिस तरीके की बातें यहाँ पे हो रही हैं, और जीत लगभग सुनिश्चित इस समय तक हो ही चुकी है, थोड़ी देर में जो रिजल्ट है वो भी घोषित हो जाएंगे, लेकिन अब बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, जिस बीजेपी को कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि 20 सीटें ले ले तो वो भी काफी होगा, लेकिन आज वही बीजेपी 50 सीट के आसपास लेकर के हरियाणा के अंदर सरकार बनाने की कगार पर खड़ी हुई है। तो इन सभी चीजों को और पूरे इलेक्शन को आप लोगों ने भी देखा है, तो इलेक्शन से आपने क्या सीखा, सबसे बड़ी बात तो ये है। चलिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।